नमस्कार, आप देख रहे हैं MNTV। मैं शरद मौर्या आपके साथ। आज हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, हापुड़ जिले में आए हुए हैं और एक ऐसे विद्यालय में आए हुए हैं जहां पर महापुरुषों की विचारधारा पढ़ाई जाती है कि केसरी स्कूल में, जिसका नाम है मदर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और किस तरीके से यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो मैडम हैं, उन मैडम से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो यहाँ की प्रिंसिपल है। ये स्कूल है, इस स्कूल में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, मैडम से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। नमस्कार मैडम। मेरा नाम है और मैं यहाँ मदर पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल हूँ और बैंक कॉलोनी में, और जो मेरा प्रधान प्रधानाचार्य के पद पर था। तो ये है मैडम मिथिलेश रानी मैडम है, ये हमें, ये यहाँ की व्यवस्थापक है मैडम और ये स्कूल की प्रिंसिपल है। अब हम इनसे कहेंगे कि ये स्कूल का किस तरीके से रख रखाव है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर महापुरुष के जो विचार हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उनके बारे में हम मैडम को ही कहेंगे कि वो हमें दिखाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से कार्यालय में भी एकदम व्यवस्थित तरीके से, किस तरीके से महापुरुषों के तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हुई हैं, आप देख सकेंगे। तो हम चलते हैं विद्यालय के, किस तरीके से प्रेयर होती है और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट सारे यहाँ पर एकदम लाइनबद्ध लगे हुए हैं और यहाँ पर प्रेयर किस तरीके से होती है पर डे, वो आपको हम आके यहाँ पर दिखाएंगे। आइए हमारे देखा यहाँ पर कितने अनुशासन का यहाँ पर ये बच्चों ने परिचय दिया, किस तरीके से यहाँ पर प्रेर हुई और यहाँ पर महापुरुषों के उद्घोष लगाए गए, जय मूल निवासी बोल पचासी, बोल पचासी जय मूल निवासी के उद्घोष लगाए गए, माता सावित्रीबाई फुले के जय घोष लगाए गए, ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के यहाँ पर जय घोष लगाए गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जय घोष लगाए गए। यहाँ पर काफ़ी शासन अनुशासन का परिचय इन बच्चों ने दिया है। अभी इसी के साथ में हम उनके क्लास में चलेंगे, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, किस तरीके से यहाँ पर उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ये हमारी क्लासें हैं जी, और यहाँ पर जो बच्चे हैं सारे हमारे मूल निवासी हैं जी, और यहाँ जो टीचर्स हैं सारा समस्त स्टाफ ये भी मूल निवासी हैं और इनको डेली रेगुलर किसी न किसी महापुरुष के बारे में बताया जाता है, प्रेयर के समय पर भी और क्लासों में भी, जो इनको जानकारी नहीं होती पढ़ाई के थ्रू बताया जाता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो जिसका जैसा माइंड होता है, थोड़ा बहुत अगर कमी पढ़ाई में चलती है तो उनको हम और प्रोत्साहन दे दे करके, प्रेरणा दे दे करके उनको उस लेवल पर ले आते हैं कि वो बच्चा आगे को कोई अपनी जो शिक्षा है, जो शिक्षा से जुड़ जाए और आगे भविष्य में वो कुछ लायक बन जाए।
तो इस तरीके से यहाँ पर विद्यालय में पढ़ाई होती है, साथ में सारे बच्चों पर बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे देश की प्रथम शिक्षिका कौन थी? आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं ढंग से अपना महापुरुषों का नाम बता रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने उनसे सवाल पूछा, उन सवाल में उन्होंने जो जवाब दिया, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वाकई में पढ़ाई महापुरुषों की जाती है और सच्ची पढ़ाई की जाती है। ये किस क्लास वर्ग के बच्चे हैं? ये सिक्स क्लास से है जी। तो यहाँ पे भी हमारे समस्त जो ये स्टूडेंट हैं, हाँ, ये सभी मूल निवासी हैं। अच्छा। और यहाँ पर भी वही है कि जो महापुरुषों की विचारधारा पहले, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट अपने ही जाग जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, कि हाँ हमें जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे साथ मेहनत की थी शिक्षा के लिए, वैसे ही हम इनपे उन महापुरुषों के विचारधारा डाल करके इनको ही अपने अंदर से अपना मोटिवेट मिल जाता है और ये हमें शिक्षा के लिए करते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो बताते हैं कंगना। पूरा नाम बताओ। कंगना सागर। कंगना सागर। अच्छा, तो यहाँ पर टोटली मूल निवासी बच्चे जी। सारे विद्यालय हैं और यहाँ पर शिक्षा इनकी होती है, यहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर ये स्कूल है और सभी क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर महापुरुषों की विचारधारा उन्हें बताई जाती है। महापुरुषों ने हमारे लिए किस तरीके से संघर्ष किया था, किस तरीके से उन लोगों ने हमारे लिए त्याग किया था, किस तरीके से उन्होंने समर्पण किया था, वो सारी बातें यहाँ पर स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आइए हम अगले क्लास में हम चलते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चों में कितना एक समाज के प्रति, एक महापुरुषों के प्रति कितना आदर है। आप देख सकते हैं सामने पेंटिंग जो यहाँ के बच्चों ने बनाई है, काफ़ी बढ़िया ये पेंटिंग बनाई है। आप देख सकते हैं ये इस बच्ची ने पेंटिंग बनाया है। क्या नाम बेटा आपका? दीपिका गौतम। दीपिका गौतम, खूब अच्छा। तो ये आपने बनाया है, काफी सुंदर। ये देखिए, यानी इस छोटे से उम्र में भी बच्चों के जज्बे को सलाम है कि छोटे छोटे बच्चों ने ये कितना बेहतरीन तरीके से ये तथागत बुद्धा का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये तस्वीर बनाया है इन्होंने। बहुत बढ़िया आपने तस्वीर बनाया है। तो बच्चों को जो है यहाँ पर बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है कि हमारे असली महापुरुष कौन थे। आइए हम अगले क्लास में आपको लेकर चलते हैं। क्लास हाँ, बच्चों आपसे मेरा एक सवाल है, संविधान की निर्माता कौन थी? ये जो हमने देखा कि कितने शासन अनुशासन का यहाँ बच्चे परिचय दे रहे हैं, और ये पूरा स्कूल महापुरुषों के लिए, महापुरुषों के उद्देश्य को, महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, उन सबकी जानकारी देने के लिए ये स्कूल कटिबद्ध है। जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ में जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुष का जो आंदोलन है, उन महापुरुष का आंदोलन भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है सारे बच्चों को, और काफ़ी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। जो आप ये स्कूल देख रहे हैं, साथ ही साथ में यही स्कूल और एक सामने वो जो एक स्कूल है, इसी की एक शाखा है, इसी के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे और कुछ शिक्षकों से भी मिलाएंगे और कुछ ऐसे छात्रों से भी मिलाएंगे कि और सवाल जवाब करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और किस तरीके से उनका बौद्धिक विकास हो रहा है। हम चलते हैं उस स्कूल में।
क्या? फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। देख सकते हैं कितने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्या नाम है बेटा आपका? कीर्ति नाम है। पूरा नाम क्या है? कीर्ति रानी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैडम अच्छा पढ़ाती है? अच्छा अच्छा अच्छा। टेंथ क्लास के बच्चे हैं और अच्छा अच्छा। तो बच्चों आपसे एक सवाल है, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इनका जवाब है, और इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये बताइए, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी? आप देख सकते हैं कि महापुरुषों के जो विचारधारा है, जो सच्ची महापुरुषों की विचारधारा है, यहाँ पर पढ़ाई जाती है, और जो भी सवाल इनसे किया जाता है वो उसका बखूबी अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। पिक्चर्स द मोनिटर लुक ए टेलीविजन द स्मॉल बिग लाइक इन ऑन द माउथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस क्लास में बेटा? सेकंड क्लास में। यहाँ पर सेकंड क्लास के बच्चे भी कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, और सवालों के इनके जवाब भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, संविधान कब लागू हुआ था? ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके जवाब है, और पढ़ाई इनके आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रही है यहाँ पर। स्कूल में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अनुशासन का परिचय बच्चों ने दिया, तो इस स्कूल को बनाने वाले और इसको स्थापना करने वाले, इस स्कूल की स्थापना कब हुई, इसको स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं हम उनसे बात करेंगे। सूरज पाल जी हमारे साथ में हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो विद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई? मोदी जी, इसकी जो स्थापना है हम लोगों ने सन 1996 में की थी, और उस समय मैं पढ़ता था बीएड करने के बाद ही, तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम एक ऐसा विद्यालय स्थापित करें जिससे कि हमारे बच्चों को अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी जमीनी स्तर पर दी जा सके। तो हमने 1996 में एक जहां आज आप बैठे हैं, ये तो जो लैंड भी बाद में ली गई थी, उससे पहले 72 वर्ग जगह थी हमारे पास में, छोटा सी गली में हमने ये स्कूल को वहां लेकर के 1996 में इसको स्थापित किया। अच्छा, इस विद्यालय को मतलब आपने जो इस विद्यालय को चालू किया, ये इसको चालू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, किस महापुरुष से आपने प्रेरणा ली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने अपने महापुरुषों को साहित्य को पढ़ा, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, शिवाजी महाराज को पढ़ा। तो जो हमारे महापुरुष हैं संत कबीर संत रविदास, सबको विचारधारा पढ़ने के बाद में मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि क्यों ना उनके काम जो अधूरा रह गया उसको क्यों ना हम शिक्षा के माध्यम से पूरा करें। तो महात्मा ज्योतिराव फूले को जब मैं पढ़ता हूँ तो उन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में मतलब 18 विद्यालय स्थापित किए थे, तो वो एक ऐसा मेरे मन में ऐसा जागृति पैदा हुई कि मैं भी एक जो ज्योतिराव फूले ने काम किया है उस काम को क्यों ना आगे बढ़ाऊँ।
तो उसी विचारधारा को लेकर के मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में कि एक कम से कम एक विद्यालय जरूर स्थापित करके जाऊंगा। तो मैंने इस विद्यालय के लिए, उस समय मेरे पास में कोई ज्यादा धन भी नहीं था, लेकिन मैंने क्या करें, छोटे से प्रयास में अपने पिताजी को ये बातें बताई और वो एग्री हो गए। तो हमारे पास में मात्र 72 वर्ग गज जगह थी हापुड़ में, जहाँ मैंने इस स्कूल को गली में अंदर स्थापित किया था। और बड़ी विकट परिस्थितियों से मैं उस समय केवल मतलब पढ़ रहा था, बीएड किया था मैंने। बीएड करने के बाद में मैंने इस स्कूल को स्थापना करने के उसी समय में ये सोच लिया था कि मैं अपने जीवन में स्कूल जरूर बनाऊंगा, चाहे मैं कुछ करूँ ना कर सकूँ लेकिन स्कूल जरूर स्थापित करूँगा। तो ये मैंने महात्मा ज्योतिराव फूले की विचारधारा से इसको लिया था। और इसको स्थापित करने के लिए फिर हमने एक समय ऐसा आया कि हमारे पास में जब वो अंदर गली में स्कूल चलता था 72 गज जगह में, तो हमारे पास रहने की भी दिक्कत थी। तो हम जो सामने वाला एक हमारे पड़ोसी थे उनके मकान में किराए की बिल्डिंग में रहते थे, और किराए की बिल्डिंग में रह करके उसी समय हमने फिर सारा स्कूल में 6 कमरे उसमें डाले 72 गज जगह में। फिर हमने पड़ोसी की छत ली, छत को कवर किया उसी से, और उसका उस पर 3 कमरे उस पर बनवाए हमने, और वहाँ से फिर हम ये स्कूल को चलाते हैं धीरे धीरे। 2 वर्ष के बाद में फिर हमने कुछ पैसा कलेक्ट किया जो हमारे स्कूल को बचत होती थी, उससे हमने बैंक कॉलोनी जो आपके हापुड़ की उसमें लज्जापुरी के पास में बैंक कॉलोनी है उसमें 500 गज जमीन ली थी। फिर इसको हमने वहाँ शिफ्ट किया, और 99 में मेरी सर्विस लग जाती है। तो 99 से जब सर्विस लगी तो मुझको और बल मिल गया। मैंने इस स्कूल को फिर अपने जो छोटा भाई था हीरा लाल, वो भी बीएड किए हुए था, फिर उसको और मैडम को, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने उनको ये सौंप दिया कि अब आप स्कूल को चलाइए तो मैं देख रेख करूँगा। तो दोनों मिलकर के उस स्कूल को चलाते रहे, स्कूल आगे रन करता रहा। हमने 500 गज जमीन लेकर के उसमें फिर इसको उसमें 2 कमरे बनाए 3 सेट के, फिर उसके बाद में फिर 2 कमरे अगले साल घेरे। इस तरीके से हम लोग इसमें लगे गए धीरे धीरे लगे गए। आज हमारे पास में स्कूल जिसमें ये बिल्डिंग है, जिसमें ये विद्यालय आप देख रहे हैं जो चल रहा है, ये 1500 गज जमीन है हमारे पास में। और हमारा जो फ्यूचर का प्लान है कि हम इसको इंटर कॉलेज बनाने का प्लान है, अभी वो सारा प्रोसेस में है, और हम इसको बहुत जल्दी ही इंटर कॉलेज में मान्यता लेने के उसमें प्रयास। तो ये थे हमारे साथ में सूरजपाल, जिन्होंने हमको ये सारी जानकारी बताई कि एक स्कूल को खोलने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये किस सन में इसकी स्थापना की गई। और इन्होंने ये भी बताया कि ज्योतिराव फूले से मैंने ये प्रेरणा ली, और जैसे महापुरुषों में होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा के लिए स्कूल के बाहर बिठा दिया जाता था, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जो है हमारे सामने बताई है कि वो प्रेरणा ली हमने, वो सीखा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हाँ, कि एक वो तो था ही था हमारे यहाँ जो हापुड़ नगर में जितने भी विद्यालय इंटर कॉलेज चल रहे हैं वो सारे ब्राह्मण या पनियों के कॉलेज हैं जी, और वहाँ हमारे बच्चों को जानबूझ करके फेल कर दिया जाता है। अच्छा। ऐसी घटना मेरे सामने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था उस समय घटी थी। मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी एक बिटिया थी, वो पढ़ने में काफी होशियार थी, इंग्लिश में उसको मात्र 2 नंबर से फेल किया था। अच्छा। जब वो घर पर आके रोई तो उस चीज को मेरे मन में आया कि यदि हम अपना स्कूल स्थापित कर लेते हैं तो ये बच्चे फिर उस चीज से भी बच जाएंगे। ये भी एक हमारे उसमें था कि पूरे हापुड़ में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, एसटी का कोई इंटर कॉलेज नहीं है। तो मैंने ये उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं कुछ करूँ ना करूँ लेकिन अपने जीवन में ये इंटर कॉलेज जरूर स्थापित करके जाऊँगा, जहाँ हमारे बहुजन समाज के बच्चे निसंकोच और स्वतंत्र होकर के पढ़ सकते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे सीख सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने ऐसा होता है ना, जैसे कि एक रेस होती है, उस रेस में उन्हीं के लोग दौड़ते हैं और फर्स्ट आते हैं। तो आपने ये सारी चीजें देखी उसमें? बिल्कुल। तो ये सोच के आपने ये विद्यालय का निर्माण किया? मेरे को जब बच्ची फेल की गई थी बड़ा दुख हुआ था। हाँ। मैंने फिर उसको प्राइवेट कराया। हाँ। प्राइवेट में वही लड़की फर्स्ट क्लास पास आई थी। अब बताइए वो 2 नंबर से इंग्लिश में फेल कर दी, जबकि जब उसने प्राइवेट एग्जाम दिया तो उसके बच्चे के 54 नंबर आए थे इंग्लिश में। अच्छा। तो हमने कैसे मान लिया था कि ये बच्ची अंग्रेजी में कमजोर है,
मतलब यहाँ भी एक षड्यंत्र आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल अभी भी हमारे बच्चों के साथ में होता है। प्रैक्टिकल में मोस्टली हमारे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे, जितने भी होते हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उनको प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं। और जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं, उसमें चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर बने, जितने भी बच्चे हैं, उनको नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि जो लेक्चरर होते हैं वहाँ, वो सारे उन्हीं कैटेगरी के लेक्चरर होते हैं। ये तो अब थोड़ा सा आयोग बना है उत्तर प्रदेश में, तब से ये हमारे कुछ टीचर्स इसमें आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा शिक्षा का मतलब अब हमारे लोग उसमें पहुंच रहे हैं इंटर कॉलेज में, तब जाके थोड़ा बहुत ये सुधार आया है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि हमारे लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और अपने स्कूल स्थापित करें भारत में, तो हम अपनी महापुरुषों की विचारधारा को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो बाबा साहब की, ज्योतिराव फूले की जो विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली, हम उसको बहुत शीघ्र स्थापित कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी गंभीर चर्चा हमारे साथ करते हुए इन्होंने जो बातें रखी हुई है कि समाज में विद्यार्थियों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है और किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर कम देकर उनको फेल किया जाता है, तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया। धन्यवाद सूरज पाल जी। थैंक यू मोहित।